अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित 7 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। इस अनुष्ठान के तीसरे दिन गुरुवार तड़के रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर लाया गया। जय श्री राम के उद्घोष के बीच क्रेन की मदद से मूर्ति को अंदर लाया गया और अंदर लाने से पहले गर्भगृह में एक विशेष पूजा की गई। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से शुरू होकर 1 बजे तक समाप्त होंगे। आज हम रामलला की मूर्ति के बारे में जानेंगे। रामलला की मूर्ति श्याम वर्ण की और उनके बाल स्वरूप की है। इसमें रामलला के 5 वर्षीय बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट होगी। इस प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच बहुत सोच समझ कर रखी गई है। अमूमन भारत में एक 5 साल के बच्चे की लंबाई 51 इंच के आसपास ही होती है। साथ ही 51 शुभ अंक माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मूर्ति की ऊंचाई भी 51 इंच रखी गई है। मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर को तराश कर हुआ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अक्सर इसी पत्थर से बनाई जाती हैं, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जो आम तौर पर नदियों की तलहटी में पाया जाता है। रामलला की मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने गढ़ा है। दरअसल 3 मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मूर्तिकार सत्यनारायण पांडेय ने राजस्थानी संगमरमर शिला से प्रतिमा बनाई थी। मूर्तिकार गणेश भट्ट और अरुण योगीराज ने कर्नाटक के शालिग्राम शिला से 2 मूर्तियों का निर्माण किया था। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 मूर्तियों को देखने और परखने के बाद गर्भगृह में स्थापना के लिए अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मूर्ति के चयन को लेकर कहा था कि अरुण योगीराज के परिवार में प्रतिमा निर्माण का काम वर्षों से किया जाता रहा है। उन्होंने देश में कई सुंदर प्रतिमाएं बनाई हैं। ये प्रतिमा 5 वर्ष के बालक की कोमलता को समेटे हुए बेहद भव्य और सुंदर है। इसके अलावा पहले से श्रीराम जन्मभूमि परिसर में पूजित की जा रही प्रतिमा को भी नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में रखा जाएगा।